दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि आप लोग पैन कार्ड तो बनवा लेते हैं लेकिन उसे कभी ऑनलाइन चेक नहीं करते हैं कि वो फर्जी है कि सही है, ओरिजिनल है या नहीं है। आप लोग वेबसाइट पर जाके चेक नहीं करते हैं, तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप अपने पैन कार्ड को कैसे चेक करेंगे कि वो एक्टिव है या नहीं है। देखिए, आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं है इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में यहाँ पे जाना है और सर्च करना है वेरीफाई पैन कार्ड। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ से देखिए कैसे आप लोग को चेक करना है। जैसे आप ये सर्च करेंगे आपके सामने ये पहली वेबसाइट देखेंगे, वेरीफाई योर पैन कार्ड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इंडिया, यहाँ पर देख सकते हैं filling.gov.in, ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में आपको अपना पैन नंबर डालना, जो आपको पैन कार्ड मिला है उस पर नंबर लिखा होगा 7, 8, 10, 11 अंक का जो भी हो वो यहाँ पर डालना है। आप उसके बाद जो आपके पैन कार्ड पे नाम हो वो यहाँ पे नाम दूसरे वाले कॉलम में डालना है। तीसरे कॉलम में आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ये जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ ईयर डाल लीजिएगा, यहाँ मंथ क्या था, यहाँ डेट क्या था, सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेटस इंडिविजुअल कि क्या था, इसमें कंपनी गवर्नमेंट क्या चीज़ है, सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो हो आपका। हमारा इंडिविजुअल, अक्सर लोग इंडिविजुअल ही बनाते हैं, कंपनी वगैरह जिनकी रहती है, गवर्नमेंट वगैरह में रहते हैं उनका अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इंडिविजुअल बनाते हैं, सिंपल सा इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसका देखिए ये जो कैप्चर दिया ना FE5797, ये अगर आपको कैप्चर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप दूसरा कैप्चर यहाँ पे मंगा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक कैप्चर आ चुका है, अब आपको क्या करना है, ये कैप्चर यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम एक कैप्चर डाल लेते हैं, R3V3UF, ये कैप्चर हम यहाँ पे डाल लिए। अब यहाँ पे हम अपना डिटेल डाल लेते हैं, यहाँ पैन नंबर अपना डाल लेते हैं, जो हमारा पैन कार्ड नंबर है वो हम डाल लेते हैं। देखिए ये हम यहाँ पे पैन नंबर अपना डाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपना फुल नेम दूसरे वाले बॉक्स में डालेंगे, तो हम दूसरे वाले बॉक्स में अपना पूरा नाम डाल लेते हैं। देखिए दूसरे नाम, दूसरे वाले कॉलम जो बॉक्स है उसमें अपना पूरा नाम डाल लिया। तीसरे वाले जो बॉक्स है इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो चलिए हम डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं, 1998 अगस्त। देखिए ये हम डेट ऑफ बर्थ अपना डाल लिए, ये सारी डिटेल हम फिल कर लिए। अब क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखा रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर द गिवन पैन, तो लगता है हम पैन कार्ड नंबर गलत डाल दिए हैं, एक बार और डालते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है पैन इज एक्टिव एंड द डिटेल आर मैचिंग विथ पैन डाटाबेस, जो भी हमारा डाटा है ये मैच कर रहा, मतलब हमारा पैन कार्ड एक्टिव है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी चेक करना है कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं है, आप लोग इसे चेक कर लीजिए, क्योंकि कोई चीज़ें फर्जी भी होती हैं तो वो यहाँ पे मैच नहीं करेगा अगर आपका पैन कार्ड फर्जी है, तो यहाँ पे आप लोगों को इसी तरीके से चेक करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय।